इसराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में एक और खूंखार किरदार भी है जो इस जंग में बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिसने हमास को खुला समर्थन देते हुए इसराइल के होश उड़ा रखे हैं। साथ ही इसराइल से अपनी पुरानी दुश्मनी को बरकरार रखते हुए उसको लगातार पैना कर रहा है, जिसकी सैन्य ताकत का लोहा अब पूरी दुनिया मानने लगी है। उसके पास मिसाइल और रॉकेट्स का बड़ा जखीरा होने के साथ साथ अपनी मजबूत इंटेलिजेंस यूनिट भी है। वो है लेबनान का खतरनाक चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह, जिसने इस युद्ध की आग को तेज करने और इसराइल को कई मोर्चों पर छकाने में अहम रोल निभा रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाकों के तेज तर्रार और घातक हमलों से इसराइल हमास युद्ध और हिंसक हो गया है। उत्तरी इसराइल में लेबनान की ओर से जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, उससे इसराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हिजबुल्ला के हमलों से त्रस्त इसराइल अब लेबनान पर भी हमले की धमकी देने लगा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। इससे तनाव एक और नए स्तर पर भड़कने का अंदेशा लगाया जाने लगा है। इस सब के बीच हिजबुल्ला लड़ाकों की ओर से हर दिन हमलों की नई सीरीज शुरू की जा रही है, जहाँ इसराइली ठिकानों पर बमबारी का दावा किया जा रहा है। लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध ने इसराइली चौकियों पर सीधे हमले का भी वादा किया है। इस कड़ी में लड़ाकों ने सटीक गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल कर मेटुला बस्ती में हमला किया। बताया जाता है कि यहां पर इजरायली बलों ने हिजबुल्ला की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए जासूसी उपकरणों को लगाया था, जिसको लड़ाकों ने अपने सीधे हमले में रॉकेट से उड़ा दिया। ऐसा दावा है कि लड़ाकों ने पिछले कुछ समय से इस इलाके में अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इजरायली बलों की बढ़ती सक्रियता के बाद से यहां पर लेबनान से सीधे हवाई हमले हो रहे हैं। इसके अलावा समूह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों के एक जत्थे पर अचानक से भीषण बमबारी की बौछार की। इससे पहले कि इजरायली बल अपनी पोजीशन लेते, जबरदस्त ब्लास्ट में कई सैनिक घायल हो गए। बताया जाता है कि लड़ाकों ने ऐसे समय में बमबारी की जब इजरायली बल रॉकेट हथियारों के साथ हनीटा साइट के पास किलेबंदी और निर्माण कार्य कर रहे थे। ऐसे में हिजबुल्ला के हमलों ने IDF के खेमे में हलचल तेज कर दी है। लेबनानी प्रतिरोध समूह यही नहीं रुका, लड़ाकों ने रमीम बैरक में 759वीं पूर्वी ब्रिगेड की पैदल सेना बटालियन के मुख्यालय पर तोपखाने के गोले से हमला किया, जिससे सीधे उस पर हमला हुआ। हिजबुल्ला ने दावा किया कि ऑपरेशन दक्षिणी लेबनानी लोगों और गांवों के खिलाफ इजरायली हमलों के जवाब में था। इस जोरदार हमले में हिजबुल्ला को बड़े नुकसान की खबर है। इजरायली मीडिया ने भी इस हमले में खुलासा किया कि लेबनान की ओर से कहर बरपाते गोला बारूद ने IDF जवानों को नुकसान पहुंचाया। हिजबुल्ला लड़ाकों ने मिसगांव एम्स बस्ती में और मेटुला बस्ती में इजरायली सैनिकों की ओर से इस्तेमाल होने वाली इमारतों को निशाना बनाया। ऐसा दावा है कि समूह ने यह हमला कफल किला में इजरायली हमलों के प्रतिशोध में किया। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान के कफर तिबनित शहर के अपने सेनानी अली हसन पर भी शोक जताया, जो अल कुद्स के रास्ते में शहीद हुआ था।